जिसका जो टैलेंट मैं देखता हूँ, आई बिलोंग टू सेक्टर एजुकेशन सेक्टर जहाँ पे हर वॉक ऑफ लाइफ से यंगस्टर जाते हैं, यहाँ पे तकरीबन बढ़ते हैं। दी अमाउंट ऑफ टैलेंट, जिस किस्म का टैलेंट आज के यूथ में स्पेशली हैदराबाद में मौजूद है, इसका हमें खुद अंदाजा नहीं। अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कैसे करोगे? ये बात आपको शऊर में लाना ज़रूरी है कि दी अमाउंट ऑफ टैलेंट दैट यू हैव, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं नुक्कड़ पे खड़ जाएं, कॉर्नर पे खड़ जाएं, चबूतरे पे बैठ जाएं, राइट, और टेम्पल रन, राइट, कैंडी क्रश, और ये सारी गेम्स ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए बेहतर है, मगर ज़्यादातर वक्त अगर आप अपने आप की डेवलपमेंट में अगर लगाएंगे तो इससे बड़ा फायदा आपको नहीं होगा। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, द यूथ ऑफ हैदराबाद इज वेरी इंपॉर्टेंट, द टैलेंटेड दैट इज बीन गिवन टू यू, जितना टैलेंट आपको दिया गया है ये मिसाल आप एक आयन कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप कुछ ज़्यादा बोर करना, आपने एक अपने अंदाज में कुछ बातें सामने रखी कि शख्सी सुधार की कितनी ज़रूरत है। आज हमारी पहचान क्या है ये मालूम होना, ये जानना बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर ये उमान है। और फिर आप देख सकते हैं द गिफ्ट ऑफ हेल्थ, ये अब तक मेरे ख्याल से जितने भी तकरीबें होती हैं, बातचीत होती हैं, ज़्यादा इस मौजू पर बात नहीं की गई है। हेल्थ, गिफ्ट ऑफ हेल्थ होता क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत एक जो आपका तोहफा है, जो आपके खालिक ने आपको अता किया है, इसको हम किस तरह हैंडल कर रहे हैं, हम इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये किस तरह हैंडल हो रही है और हम इससे क्या कर सकते हैं। और फाइनली एक नज़र द ब्लेसिंग ऑफ तेलंगाना स्टेट, यानी आप जो आज जी रहे हैं हैदराबाद में, ये अल्लाह की एक देन है। ये तेलंगाना स्टेट जो मुनाकिद हुआ है, ये तेलंगाना स्टेट जो वजूद में आया है, इससे जो फ़ायदा हमको पहुंच रहा है, इससे हम बिल्कुल बेखबर हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा गवर्नमेंट की तरफ से और कई ऐसे एन जी ओज हैं और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे सिस्टम्स हैं जो हमें फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कर रही है, मगर हम टोटल इससे बेखबर हैं तो हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। मैं रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था चीफ मिनिस्टर, हमारे चीफ मिनिस्टर के सीआर साहब उनकी, और उसमें एक बात सुनकर मुझे ताज्जुब होता पड़ा कि उन्होंने फरमाया कि टोटल जो बजट दिया जाता है, आई एम नॉट गेटिंग इन पॉलिटिकल स्टफ, मैं सिर्फ एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ कि टोटल बजट जो दिया जाता है फॉर द डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज़ के लिए, दैट इज समथिंग अराउंड 4,000 crores इन इंडिया। और सिर्फ हैदराबाद को जो अलॉट हुआ है तेलंगाना स्टेट और उसकी डेवलपमेंट और हैदराबाद को, वो है 2,000 crores। मतलब इसका ये है कि पैसा कहाँ जा रहा है, मतलब इसका ये है कि इतनी फैसिलिटीज हमें पहुँच रही है बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग ऑफ तेलंगाना स्टेट, हम उसका कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और मेरा स्पेशलाइजेशन एजुकेशन अब्रॉड, जो पढ़ने के लिए आप जाते हैं बाहर, ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो उससे रिलेटेड जो हमें फायदे पहुंच रहे हैं, मैं इसके बारे में छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखता हूँ। हम में से काफ़ी लोग ये जानते हैं और काफ़ी लोग नहीं जानते कि तेलंगाना स्टेट एक ऐसा वाइल्ड स्टेट है जहाँ पर सिर्फ 4 लोग, यानी उनको सिर्फ 4 लोगों को ये मालूम है कि तेलंगाना स्टेट की जो गवर्नमेंट है, आप जो बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हो उसका खर्चा वो आपको दे रही है, मगर हमें इसकी अवेयरनेस नहीं है, हमें इसकी मालूम नहीं है। साल में 2 से 3 बार ये स्कीम शुरू होती है, आप अपना रास्ता पैदा कीजिए, काफ़ी सारे लोग हैं हर महीने में पॉलिटिकल